कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और मर्डर केस के बाद गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। सभी राज्यों से हर दो घंटे में लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट मांगी गई है। कोलकाता की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर दो घंटे में केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट भेजेगी। पिछले स्पेशल स्टोरी में मैंने यही आपसे सवाल पूछा था कि क्या ममता सरकार सही फैसला कर पाएगी, क्या लोग ममता सरकार से आश्वस्त हो पाएंगे, क्या ममता सरकार पर लोगों को ये भरोसा हो पाएगा कि ममता सरकार जिस तरह से पुराने वादों को पूरा नहीं किया, इस बार भी वो ऐसा नहीं करेगी, या फिर केंद्र सरकार को इस मामले में सुरक्षा के लहजे से हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो देखिए, आज वो दिन आ ही गया जब केंद्र ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और अब फुल स्पीड में इस मामले में कार्यवाही होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या है केंद्र सरकार का वो कदम जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने लिया बड़ा फैसला, डगमगा गई ममता बनर्जी की सरकार। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। अलग अलग राज्यों के डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी दुष्कर्म के इस तरह के मामले सामने आने के बाद कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों को हर दो घंटे में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से भेज सकते हैं रिपोर्ट। वही बताया जा रहा है कि कोलकाता महिला डॉक्टर दुष्कर्म और मर्डर केस के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को देखते हुए ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर दो घंटे में, जी हाँ आप सही सुन रहे, हर दो घंटे में ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के जरिए भेजनी होगी। क्या है पूरा आदेश? केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार यानी 17 अगस्त रात जारी की गई आदेश की कॉपी में कहा गया कि अब से हर राज्य को अपने यहाँ की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देनी होगी। ये रिपोर्ट हर दो घंटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। सभी राज्य ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से कानून व्यवस्था की लेटेस्ट जानकारी मंत्रालय तक भेजेंगे। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम अधिकारी मोहन चंद्र पंडित ने इस आदेश को लेकर कहा है कि ये कदम सुरक्षा की निगरानी करने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने के देने के लिए उठाया गया है। आरजीकर अस्पताल के 42 डॉक्टरों का तबादला रद्द। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब पश्चिम बंगाल सरकार पर दबिश पड़ने लगी तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कार्यरत 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों के तबादले, जो पहले आदेश जारी किए गए थे, उस आदेश को अब रद्द कर दिया गया है। अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के कई कार्यरत डॉक्टर और शिक्षकों के तबादले की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके बाद 24 घंटे में ही इस फैसले को पलट दिया गया। बंगाल ने महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षा कदम उठाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर दुष्कर्म और हत्या को लेकर पूरे देश में मचे बवाल के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को महिला चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम रित्ति रेर साथी यानी हेल्प्स ऑफ नाइट की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और छात्रावासों में रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करना है। इसके वादे के बाद कई सवाल ममता सरकार पर उठ रहे हैं। क्या इस वादे को पूरा किया जाएगा या फिर पुराने वादे के तरह ये भी वादा सिर्फ नाम मात्र रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी।
पूरे बंगाल में हेल्थ सर्विस पर असर। वही आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में लगातार 10वें दिन भी हेल्थ सर्विस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए अपना काम बंद रखा है। प्रिंसिपल से हिरासत में पूछताछ की मांग। वही टीएमसी खेमे में फूट होता लगातार दिख रहा है, जहां इस मामले में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे शुरू से ही अपनी आवाज उठा रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। वहीं अब इस मामले में उन्होंने सीबीआई द्वारा पुलिस आयुक्त से हिरासत में पूछताछ की मांग की है और साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी हिरासत में पूछताछ की मांग की है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तीसरे दिन सीबीआई दफ्तर पहुंचे। आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई सवाल उठाए गए हैं। ये भी बोला जा रहा है कि टीएमसी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद से उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। साथ ही अब उन्हें लगातार तीसरे दिन सीबीआई दफ्तर बुलाया गया और उनसे पूछताछ चल रही है। अभी तक आपको बता दें कि सीबीआई संदीप घोष से कुल मिलाकर 25 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। शहजाद पूनावाला ने तृणमूल कांग्रेस पर कसा तंज, अपराधी बचाओ डॉक्टर डराओ। वह इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता है अपराधी बचाओ डॉक्टर डराओ। पूनावाला ने कहा है कि अपराधी मत पकड़ो, लेकिन सबकी जुबान चुप करा दो। पश्चिम बंगाल सरकार ने 44 डॉक्टरों के ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन भाजपा के प्रेशर में ये तालिबानी ऑर्डर वापस ले लिया। ममता बनर्जी की सरकार जो लार्जेस्ट कॉन्स्पिरेसी है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू किया। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले के आरोपी संजय राव का अब साइकोलॉजिकल टेस्ट करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों की एक टीम कल कोलकाता पहुंची और उसने साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार उसके बारे में पता चला है, उसके घर वाले ने जो खुलासा किया है और उसने उसके फोन से जो चीजें बरामद की गई है, उससे ये कदम उठाना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के साथ की बैठक। वहीं कोलकाता पुलिस की विशेष अपराध शाखा के अफसरों के साथ सीबीआई के अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर बैठक की। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान में वसंगति और भ्रम है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश पूर्व प्रिंसिपल ने की। जांच की प्रकृति, इसका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर देर रात तक बैठक भी चलती रही। संदीप घोष से तीसरी बार सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और हंगामे की घटना में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को तलब किया। वहीं कोलकाता पुलिस ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को तलब किया। रॉय को नोटिस भेजकर शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में पेश होने को कहा गया। घटना के 3 दिन बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास खोजी कुत्ते को भेजे जाने की गलत सूचना फैलाने के लिए रॉय को बीएनएस की धारा 35 के खंड 1 के तहत नोटिस भेजा गया है। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नोटिस टीएमसी से बगावत करने की है, अपराधियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर है, या फिर सच में ऐसा कुछ हुआ था। आजकल अस्पताल के पास भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं। कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास रविवार 18 अगस्त से 24 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और सभा करने पर प्रतिबंध होगा। ट्रेनी महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या का मामला सामने आने के बाद आरजीकर अस्पताल विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। एक आदेश में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का खंड 2 लागू कर दी है। इसमें बताया गया है कि अस्पताल के आसपास के क्षेत्र से लेकर श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश के मुताबिक निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब ये समझने वाली बात है कि आखिर ये क्यों लागू किया गया।
प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने, अन्य मांगों के अलावा अनिवार्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।